वेलकम ट्रेनर्स एंड स्वागत है सभी का माइनक्राफ्ट पोकेमोन की टूर्नामेंट में, जहां पर आज हमें ज्वाइन करने वाले हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड रूल्स तुम्हें केसीपी बताएगा। तो इस टूर्नामेंट के रूल इस तरह से होने वाले, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे बाद होगा इधर एक ग्रैंड टूर्नामेंट। 24 घंटे में तुम लोग को अपना पोकेमोन टीम बिल्ड करना है। इस टूर्नामेंट में मैक्स लेवल 60 होने वाला है और सबको एक मेगा स्टोन टूर्नामेंट से पहले दिया जाएगा और सबको ऑलरेडी स्टार्टर किट मिल चुका है। तो यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, कुछ चालू टूर्नामेंट में ज्वाइन करेंगे बाद से। तो अभी से तुम्हारे 24 घंटे स्टार्ट होते हैं, मिलते हैं 24 घंटे बाद। सबको बेस्ट ऑफ लक। तो इस बार भी मैंने स्टार्टर के हिसाब से चार्मेंडर को चूज किया, क्योंकि इस बार हम लोग को वापस से मेगा पोकेमोन्स मिलने वाले थे और मुझे ज़्यादा मेगा पोकेमोन्स का नॉलेज है नहीं। बट लास्ट टाइम मैंने मेगा चार्जार्ड यूज़ किया था, जिसका पावर भाई बहुत ज़्यादा ओपी है। तो एक कोऑर्डिनेशन था मेरा उसके साथ, तो मैंने वापस से चार्मेंडर ले लिया। तो मैं एक और बार इस टूर्नामेंट के रूल्स को क्लियर कर देता हूँ। यह है 24 आवर सब्सक्राइबर स्पेशल टूर्नामेंट, जहाँ पे हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर भी, यानी आप लोग ही फाइट करने वाले हमारे ऑपोजिट में। और ये टूर्नामेंट 24 आवर्स के अंदर ही होने वाला है, जहाँ पे हम लोग को पहले स्टार्टर किट दे दिया गया है, जिसमें आयरन का आर्मर, थोड़े बहुत पोकेबॉल ब्रेड एंड थोड़े से डायमंड के टूल्स है। उसके बाद मैं निकल पड़ता एक्सप्लोर करने, ताकि इस बार मैं अच्छे से अपना टीम बिल्ड कर पाऊँ। और इधर ही मैं डार्क ओक बायो में घूम रहा था और उधर ही मुझे दिख जाता है एक नज़लीफ, जिसके साथ मैं फाइट ले लेता हूँ एंड उसको पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं चार्मेंडर भी चार्मिलियन के अंदर रेडी टू इवॉल्व हो जाता है, तो मैं उसको फटाफट से इवॉल्व कर लेता हूँ। उधर ही आगे चल के मुझे एक पोकेबॉल मिलता है, जहाँ पे शॉपकीपर्स प्रोटीन, आयरन, कार्बोस, जिंक ये सब बेच रहे थे। अब लास्ट टाइम मुझे इन सब का यूज़ नहीं पता था, बट इस बार मैं रिसर्च केयरफुल। ये सब से हम लोग पोकेबॉल के ईवीज बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोटीन से हम उसके अटैक्स और कार्बोस से हम उसके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये मैं टूर्नामेंट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ इस बार। इधर ही आगे चल के मुझे एक नॉकटॉल दिखता है, जो कि एक ठीक ठाक पोकेमोन है, मतलब थोड़ा बहुत तो पावरफुल है वो, तो मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ, ताकि मैं आगे चल के बाकी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए किसी को तो यूज़ कर पाऊँ फाइट में। इधर ही आगे चल के मुझे एक दिखता है वाइल्ड माचोक, तो भाई मैं उसको पकड़ने का सोचता हूँ, बट मेरे पोकेमोन्स का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं था। बट मैं फिर भी सोचता हूँ भाई कोई ट्राई करके देखते, और माचोक मेरे पोकेमोन्स को बहुत गंदा पेल देता है। बट भाई अब बात आ गई थी ईगो पे, तो मैं उस पर कंटिन्यूसली पोकेबॉल फेंक रहा था जब तक वो कैप्चर ना हो जाए। और बहुत सारे पोकेबॉल उस पर कुर्बान करने के बाद फाइनली माचोक बिना फाइट के पोकेबॉल के अंदर कैप्चर हो गया। डैम ब्रो। उसके बाद मुझे उधर येलो एप्रिकॉन का एक पेड़ दिखता है, जहां से मैं थोड़ी बहुत येलो एप्रिकॉन कलेक्ट कर लेता हूं, ताकि मैं बाद में चल के अल्ट्रा बॉल्स बना पाऊं। फिर उधर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दिखता है उधर एक पोकेबॉल सेंटर, जहां पे एनर्जी, और मैंने सोचा क्यों ना नर्जॉय को थोड़ा हाय हेलो बोलते चले। तो मैं आ गया पोकेमोन सेंटर पर, अपने पोकेमोन को हिल किया, नर्जॉय के साथ हाय हेलो किया, पर उसने मना कर दिया। बदले में मैंने उसका पीस और एक हीलिंग मशीन चुरा के भाग गया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं मिस्टर केसिप का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि इस वीडियो के एंडिंग में मैंने बोला है, जिसको बिल्कुल मिस मत करना, जरूर से देखना। एना वीडियो को एक लाइक कर देना, आजकल लाइक बहुत ज्यादा कमा रहे। उसके बाद उधर ही डार्क ओक बायो में मुझे मिलता है एक साइकिक टाइप पोनेट्रा, जिसको कि मैं पकड़ लेता हूँ फाइट करने के बाद। फिर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे उधर एक विलेज दिखता है, जो कि भाई मैं लूटने लगता हूँ, बट मुझे उधर लिंकेबल के छोड़ के और कुछ नहीं मिला। फिर मैं उस विलेज से जाने लगता हूँ, बट उधर ही मुझे दिख जाता है एक और पोकेमोन, जो कि था रैल्स। अब जिन लोगों को नहीं पता है, रैल्स का थर्ड फॉर्म होता है गार्देवा, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। और बहुत सारे पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद मैं फाइनली उस पोकेमोन को पकड़ लेता हूँ। आएगा मजा गेम में। उसके बाद मैं रैल्स का एक निकनेम भी रख देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत क्विक बॉस बना लेता हूँ, ताकि रैल्स जैसे अगर मुझे कोई और पोकेमोन मिला जिसका एचपी कम होता है और लेवल कम होता है, जो एक अटैक में मर जाते हैं, ऐसे पोकेमोन्स को मैं बिना फाइट के पोकेबॉल फेंक के फर्स्ट टाइम में पकड़ लूँ, क्योंकि इसका कैच रेट 5x होता है फर्स्ट टर्न पे अगर मैं पोकेबॉल फेंकता हूँ तो। उसके बाद मैं आ गया माइनिंग पे, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ईवीज अप करने हैं, जिसके लिए मुझे कार्बोस, प्रोटीन, सिंक ये सब खरीदना पड़ेगा शॉपकीपर से, जिसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए था। और फिक्स केव में आते ही मुझे दिखता है उधर एक घैसली, तो मैं सोचा क्यों ना घैसली को भी पकड़ लेते, यू नो किंगर वन ऑफ द ओजीएस पोकेमोन में से है, और मेरे पास लिंकेबल भी पड़ा हुआ था जो मुझे विलेज में मिला था। घैसली को पकड़ने के बाद मैं उधर से थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं घैसली को हंटर में और हंटर को लिंकेबल के हेल्प से गेंगार के अंदर इवॉल्व कर लेता हूँ।
उसके बाद में थोड़ा बहुत और गोल्ड माइन कर ही रहा था, तभी मुझे दिखते उधर डायमंड्स। अब डायमंड्स का भी हम लोग को नीड है, क्योंकि हमें वो शॉप ढूंढना है जहाँ पे एक डायमंड के बदले एक्सेल एक्सपी कैंडी मिलते, जिससे हम अपने पोकेमोन को बहुत ज्यादा फास्ट एंड बहुत ज्यादा इजीली लेवल अप कर सकते। एंड हाँ, इस टूर्नामेंट के अंदर मैक्स लेवल 60 है, तो हम अपने पोकेमोन को 60 से ज्यादा लेवल अप नहीं कर सकते। उसके बाद मैं केव से बाहर आ जाता हूँ और मुझे आते ही मिलता है एक विलेज, बट ये विलेज भी पूरा लूटेड था, मुझे कुछ नहीं मिलता इस विलेज के अंदर, तो मैं इधर से भी निकल पड़ता हूँ आगे एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद एक्सप्लोर करते हुए मैं आ जाता हूँ हिल साइड में, मतलब माउंटेन साइड में, जो कि आकाशिया बायोम भी था, और मैं इधर आता हूँ एक पोकेमोन पकड़ने जो कि था गिबल। अब उस बायोम में आते ही मुझे उधर एक पोकेमोन मिल जाता है, जहाँ पे भाई वो बंदे बहुत घटिया ट्रेड दे रहे थे, बहुत ज़्यादा घटिया थे, तो इनसे तो मुझे कुछ काम था नहीं, तो मैं ढूंढने लग जाता हूँ अपने गिबल। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे गिबल तो नहीं मिला, बट मुझे मिल गया थोड़ा टॉर्कोल। अब टॉर्कोल नहीं पता तो भाई ये ऐश का एक पोकेमोन था जो बहुत ज़्यादा है हाई डिफेंस में, इसका डिफेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको पकड़ लेते, तो मैंने उससे फाइट ले लिया और उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैं वापस गिबल को ढूंढने लग जाता हूँ। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे मिल जाता है उधर गिबल, जो पहाड़ में घूम रहा था मज़े में, बट अब उसके मज़े ख़त्म होने वाले थे। उसके बाद मैं गिबल से फाइट ले लेता हूँ और उस पर क्विक बॉल मारता हूँ, और वो फर्स्ट ट्राई में ही बिना कुछ अटैक के कैप्चर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ईजी था गिबल पकड़ना। उसके बाद मैं उस बायोम से निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद मुझे उधर एक और पोकेमोन दिखता है, जहाँ मुझे फाइनली एक डायमंड का एक एक्सेल एक्सपी कैंडी मिल रहा था। मेरे पास जितने डायमंड्स थे उससे मैंने एक्सपी कैंडी खरीद लिया और अपने गिबल को इवॉल्व कर लिया गिबाइट के अंदर। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ डायमंड माइनिंग के लिए, क्योंकि अब मुझे अपने सारे पोकेमॉन्स को मैक्स इवॉल्व करना था और 60 लेवल भी करना था। उसके बाद मैं लग जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग के लिए, ताकि मैं बहुत सारे डायमंड्स को कलेक्ट कर पाऊँ। तो मेरे पास करंटली 51 डायमंड्स है जो माइनिंग करके मुझे मिले। उससे मैंने एक्सेल एक्सपी कैंडी खरीद लिया एंड अपने चारिज़ार्ड को 60 यानी मैक्स लेवल कर लिया। फिर मैंने अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी मैक्स लेवल कर लिया एंड अपने गिबाइट को गार्चार्म के अंदर इवॉल्व कर लिया। टाइगर बायोम में घूमते हुए मैं पहुंच गया था बीच साइड में, और बीच साइड में स्पॉन होता है ओशावॉट, जो कि इवॉल्व होकर बनता है सेमोडॉट, जो कि एक रेयर पोकेमॉन है क्योंकि एक स्टार्टर है। बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इधर भी टाइम अपना दे के देखे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा टाइम था। तो मैं इधर से उधर एक्सप्लोर करने लगता हूँ इस उम्मीद में कि भाई ओशावॉट स्पॉन होगा, बट बहुत देर घूमने के बाद मुझे उधर नहीं मिलता एक भी ओशावॉट। बट उधर ही बहुत देर बाद मुझे फाइनली दिख जाता है ओशावॉट, जो कि भाई मज़े में घूम रहा था, पर अब इसके भी मज़े ख़त्म होने वाले थे। मैंने ओशावॉट को थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया था, और उसके बाद मैं बहुत देर तक उस पर पोकेबॉल यूज़ किए जा रहा था, वो भी अल्ट्रा बॉल जिसका रेट 2x होता है, बट वो कैप्चर हो नहीं रहा था। बहुत देर तक बहुत सारे पोकेबॉल को वेस्ट करने के बाद फाइनली ओशावॉट कैप्चर हो जाता है। उसके बाद मैं उसको एक्सपी कैंडी की मदद से बना देता हूँ सेमोडॉट। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर के अंदर, बट बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी नेदर में कुछ नहीं था, मतलब बेकार था नेदर इस बार। तो मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ, निकल जाता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। ओवरवर्ल्ड के अंदर आते ही मैं डेविल को एक फेक बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, जिसका मेरा मेन मोटिव था उसके सारे पोकेमॉन्स को देखना। और इस बैटल के लिए मैंने अपने स्टार्टर यानी चार्जार्ड को छोड़ के बाकी कोई मेन पोकेमॉन लाया नहीं था। इस बैटल में डेविल के थोड़े बहुत पोकेमॉन रिवील हो गए थे, बट मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जंगल बायोम के साइड, क्योंकि अब मुझे अपने टीम का एक और पोकेमॉन पकड़ना था, जो कि था ग्रास टाइप पोकेमॉन। एक्सप्लोर करते हुए मुझे उधर एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखता है, और मैं बिना कुछ देखे उसके अंदर घुस जाता हूँ, और मैं लिटरल हाफ हर्ट में एस्केप करता हूँ उधर से। अगर मैं इधर मर जाता, मेरा हार्ट को इधर ही ख़त्म था, मैं चैंपियनशिप में पार्ट भी नहीं ले पाता, बट लकीली मैं बच गया इधर से। उसके बाद मुझे उधर एक जंगल विलेज मिलता है, जिसको कि मैं लूट ही रहा था, और तभी मुझे दिखता है एक और पोकेमॉन। इस पोकेमॉन का नाम था टिम्पोर, जिसका थर्ड इवोल्यूशन होता है कॉन्केलडोर आई थिंक, और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद मैं टिम्पोर को गुड़दुर के अंदर इवॉल्व कर लेता हूँ, भाई क्या अजीब सा नाम इसका। उसके बाद मैं उस पर थोड़ा बहुत एक्सपी कैंडी यूज़ करके उसका लेवल मैक्स कर लेता हूँ, एंड देन लिंकेबल के हेल्प से मैं उसको कॉन्केलडोर के अंदर इवॉल्व कर लेता हूँ। और भाई ये दिखता तो खतरनाक था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था ये। उसके बाद मैं वापस से लग जाता हूँ अपने ग्रास पोकेमॉन को ढूंढने, और बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद फाइनली मुझे मिल गया था जो कि था ट्रिको।
फिर मैं ट्रिको से फाइट ले लेता हूँ और उस पर क्विक बॉल का यूज़ करता हूँ एंड फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर ही ट्रिको कैप्चर हो जाता है। उसके बाद मैं ट्रिको को थोड़ा बहुत एक्सपी कैंडी से लेवल अप करता हूँ एंड देन उसको इवॉल्व कर लेता हूँ स्किप टाइल के अंदर। और अभी हम लोग का टीम बन ही गया था, मेगास्टोन हम लोग को टूर्नामेंट से पहले मिलने वाला था तो उसका कोई टेंशन नहीं था। एंड अभी मुझे करना था अपने पोकेमॉन्स के ईवीज को थोड़ा बहुत अप, जो कि मैं प्रोटीन कार्बोस एंड जिंक एक्सेट्रा जो भी आता है। उसके बाद मैं प्रोटीन की हेल्प से 40,000 के अटैक्स के स्टैट्स बढ़ा दिए एंड कार्बोस के हेल्प से मैंने 40,000 के स्पीड के स्टैट्स को बढ़ा दिए। एंड ऐसे ही मैंने बाकी सारे अपने पोकेमॉन्स के साथ किया जो गोल्ड मैंने तब माइंड किया था उसके हेल्प से। एंड अब मैं रेडी था टूर्नामेंट के लिए एंड टूर्नामेंट स्टार्ट होने में आई थिंक 1 घंटा कुछ बचा है, तो चलो चलते टूर्नामेंट के अंदर। इस बार तो जीतना है भाई मुझे। तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था यहाँ पे और पहला मैच था डेविल का एंड नानू का, जिसके अंदर डेविल जीत जाता है मैच एंड डेविल पहुंच जाता है सीधा सेमीफाइनल्स के अंदर। एंड दूसरा मैच होता है अबुसुन एंड कैप्टन के बीच में, जहाँ पे अबुसुन कैप्टन को हरा के जीत जाता है एंड चला जाता है सेमीफाइनल्स के अंदर। एंड उसका नेक्स्ट मैच होने वाला था मेरा एंड स्माइली का, जिसमें कि भाई मुझे जीतना ही है इस बार मैं हार नहीं सकता। तो मेरा एंड स्माइली का मैच स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मैंने चूज किया था अपना मेगा चंदू यानी चार्जार्ड और उसने चूज किया था एम्फेरोस, जिसको कि चार्जार्ड ने हरा दिया था। उसके बाद उसने चूज किया आरके9, चार्जार्ड ने आरके9 को तो हरा दिया था। उसके बाद उसने चूज किया था गैलेड, जिसको भी चार्जार्ड ने हरा दिया। एंड उसके बाद उसने स्वेरो चूज किया और उसको भी अपने चार्जार्ड ने हरा दिया, जो कि भाई बहुत ज़्यादा डैम गॉड पोकेमॉन है। बट उसके बाद उसने चूज किया बुफलैंड को, जिसने मेरे चार्जार्ड को हरा दिया। फिर मैंने चूज़ किया अपना भूतुलय यानी गेंगार और वो चूज़ करते उसने अपना बुफलैंड बदल के ले आया फरेट। गेंगार ने फरेट को स्लीप में डाल के उसको हरा दिया था एंड उसने फिर बुफलैंड को लाया एंड उसने बुफलैंड को भी हरा दिया एंड मैं जीत गया ये मैच। एंड मैं सीधा पहुंच गया सेमीफाइनल्स के अंदर एंड स्माइली हो जाता है टूर्नामेंट से एलिमिनेट। फिर पहला सेमीफाइनल्स का मैच स्टार्ट हुआ, जो कि था कार्तिक एंड डेविल का, जिसमें डेविल कार्तिक को हरा देता है एंड पहुंच जाता है फाइनल्स के अंदर। एंड नेक्स्ट सेमीफाइनल मैच था मेरा एंड अबुसुन का। तो मैच स्टार्ट हो जाता है, जो कि गार्डचॉम से मैंने किया था एंड गार्डचॉम गायरडॉस से हार जाता है। देन मैंने स्केप्टाइल चूज किया जो गायरडॉस को हरा देता है। देन वो लाता है ब्लेजिकन एंड मैं लाता हूँ महाचंदू। चार्जार्ड ने ब्लेजिकन को हरा दिया, उसने चुना एनीहिलेप, एनीहिलेप ने चार्जार्ड को हरा दिया। देन मैं चुना गेंगार और उसने गेंगार को भी हरा दिया। देन मैंने स्केप्टाइल चूज किया, स्केप्टाइल ने एनीहिलेप को तो हरा दिया बट खुद भी फेंट हो गया। फिर अब उसने चूज किया गार्डचॉम पर, मैंने चूज किया सैमोडॉट एंड सैमोडॉट भी गार्डचॉम से हार जाता है। एंड देन मैंने चूज़ किया अपना वाइफू एंड उसने चूज़ किया था सीजर एंड उसके सीजर ने मेरे वाइफू को हरा दिया एंड मैं वापस एक और टूर्नामेंट हार गया। बट इस बार मुझे उतना दुख नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट था हम लोग के सब्सक्राइबर्स के साथ ही। एंड सच बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा फन टूर्नामेंट था तुम लोग के साथ इंटरेक्ट करना, खेलना। फाइनल्स के अंदर डेविल हार जाता है अबुसुन से, अबुसुन बन जाता है हम लोग का चैंपियन 24 आवर्स का। एंड इसी के साथ ये टूर्नामेंट हो जाता है इधर ही ख़त्म। एंड मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए वेलकम टू द अनाउंसमेंट पार्ट। तो अभी कुछ सुबह के 5:30 हो रहा है, मेरा एडिटिंग अब खत्म हुआ इस वीडियो का एंड आज है 10 अक्टूबर, आज 12 बजे मुझे इसको अपलोड करना है और मैं अभी अनाउंसमेंट पार्ट रिकॉर्ड कर रहा। एंड हाँ, आज सिर्फ 10 अक्टूबर ही नहीं, आज कुछ और भी है और आज है अपने भाई नारुतो का बर्थडे। नहीं कि अनाउंसमेंट नहीं है, कि मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना था ये बात।
तो अभी बात करते हैं हम लोग के अनाउंसमेंट की कि मैं सीधा कैमरा खोल के व्लॉगिंग कर रहा सुबह के 5:30 क्योंकि ऐसा क्या अनाउंस करना था मेरे को। तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं पोकेमॉन की वीडियोस से, लोग का पता होगा कि भाई पोकेमॉन के वीडियोस पे कितने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं मेरे बाकी वीडियोस के मुकाबले अपने चैनल के। एंड यू नो मुझे अदर भी कुछ वीडियोस ट्राई करने हैं, अब ये आई थिंक 6th वीडियो है मेरा पोकेमॉन के ऊपर, और मुझे कुछ और एनिमेस के ऊपर भी वीडियो बनाने हैं। लाइक हम लोग के पास बहुत सारे एनिमेस है, लाइक ड्रैगन बॉल, वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर, अटैक ऑन टाइटन, माय हीरो एकेडमिया, बहुत बहुत ज़्यादा एनिमेस है हम लोग के पास। एंड मुझे वो सारे एनिमेस कवर करने हैं, बट यू नो अभी मेरा रीच बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है क्योंकि 2 मंथ से मैं इनएक्टिव था चैनल के ऊपर। एंड मैं चाहता हूँ जो लोग भी ये एंड तक देख रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं इसे एंड तक, पर जो भी देख रहे हैं भाई, मैं चाहता हूँ मैं अलग अलग एनिमेस को कवर करूँ, तो थोड़ा दिखा देना सपोर्ट, लाइक करके थोड़ा रीच बढ़ा देना वीडियो का। एंड अगर तुम लोग का भी कोई फेवरेट एनिमे है, लाइक डेमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, कुछ भी फेवरेट एनिमे है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ माइनक्राफ्ट के साथ मिलके, मतलब माइनक्राफ्ट के साथ वो मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ गए, तो कमेंट कर सकते हो कि भाई ये एनिमे करो, वो एनिमे करो। मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं ये वाला सेगमेंट अभी एंड तक, मुझे नहीं पता कितने व्यूज भी आने वाले इस वीडियो पे, लाइक 500 भी आ जाए बहुत ज्यादा है अभी। बाकी तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा रीच बढ़ाओ, एंड बाकी मैं तो चला सोने अभी, चलो बाय।